तीव्र गति से आगे बढ़ती परी। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जांबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास बता रहा है कि जब तक ये सजग हैं सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड के इस कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमरान और उनके पीछे परेड टू आईसी श्री गुरिंदर वीर सिंह भट्टी द्वितीय कमान अधिकारी कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। सबसे पहला दस्ता पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा असिस्टेंट कमरान। दूसरे नंबर पर कश्मीर फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर है श्री सुदीप सिंह जादव असिस्टेंट कमरान। जम्मू फ्रंटियर का कंटिंजेंट मान संभाले श्री मनोज कुमार शर्मा असिस्टेंट कमांडर। और सलामी मंच की ओर उत्साह के साथ अग्रसर राजस्थान फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री नरेश चौधरी असिस्टेंट कमांडर। और अब गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री धर्मेंद्र सिंह रावत असिस्टेंट कमांडर। उत्साह के साथ आगे बढ़ता साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री राजकुमार असिस्टेंट कमांडर। और अब आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे गर्व से अग्रसर नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले हैं श्री जयपाल विश्नोई असिस्टेंट कमांडेंट। आठवां दस्ता गुवाहाटी फ्रंटियर सजग कदमों से आगे बढ़ता हुआ कंटिंजेंट कमांडर हैं श्री प्रभात कुमार गुप्ता डेप्यूटी कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता शिलोंग फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर हैं श्री करनी सिंह चौहान असिस्टेंट कमांडेंट। दसवें नंबर पर त्रिपुरा फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट जिसके कमांडर हैं श्री नीतीश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट। ग्यारहवें नंबर पर गर्व से सैल्यूटिंग बेस की तरफ बढ़ता मिजोरम एंड कचार फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर हैं श्री मनोज सिंह चलवाल असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर हमारे बल की महिला शक्ति कमान संभाले हैं मिस नूतन शांति सांगा असिस्टेंट कमांडेंट। और अब अर्जुन अवार्डी व वीरता पदक विजेता खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे श्री अजीत पाल सिंह डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड अर्जुन अवार्डी एवं पद्मश्री। जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत अधिकारी श्री जे सी सिंगला IG रिटायर्ड। साथ हैं हमारे खेल सितारे और वीरता पदक विजेता। और कम्युनिकेशन कंटिंजेंट आगे बढ़ता हुआ कमान संभाले श्री पुष्पेंद्र गंगवार डिप्टी कमांडर। विंटेज एंड लेटेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन की थीम के साथ VHF UHF जैसे प्रारंभिक एनालॉग से चलकर एंटी UAV रडार और फील्ड की लाइव चुनौतियों को आज हमारे सामने स्क्रीन पर लाती इंटीग्रेटेड एंटीना माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस। श्वान दस्ता मंच की ओर अग्रसर इस दस्ते की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर सविता आर्या जो अपने श्वान कोबरा के साथ जिप्सी पर सवार। ये सभी श्वान ट्रैकिंग एक्सप्लोसिव ड्रग स्निफिंग तथा सर्च एंड रेस्क्यू के फील्ड में ट्रेन है। और इसके बाद पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व जो सीमाओं की निगरानी में एक अहम रोल अदा करते हैं। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर रंजीत असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी ने जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। एक एक करते आगे बढ़ते ये जाबाज प्रहरी। और अब आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट कमान संभाले श्री मनोहर सिंह खींची डिप्टी कमांडेंट जो इस समय अपने ऊंट सम्राट पर सवार हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ऊंट दस्ते में शामिल वो पंजाब जाबाज महिला एवं पुरुष प्रहरी जो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भारत पाक सीमा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यूटोड़ सवार सैनिकों का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध से भी पहले का देखने और पढ़ने को मिलता है। परंतु सीमा प्रहरी हमारे 1971 के भारत पाक युद्ध में एक यादगार भूमिका निभाई थी इन ऊंट सवार सैनिकों ने, जो एक मिसाल बना। आज भी भारत पाक सीमाओं की सतत निगरानी में ये सीमा सुरक्षा बल के महिला एवं पुरुष ऊंट सवार प्रहरी चौकस निगाहों से दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं उनके। और अब आपके समक्ष विश्व प्रसिद्ध सीमा सुरक्षा बल का एकमात्र कैमल माउंटेड बैंड कमान संभाले सब इंस्पेक्टर बोधराज। और इसके ठीक पीछे बल की जलीय शक्ति का एक सामरिक स्वरूप। मॉडर्न सर्च एंड अटैक सिस्टम से लैस फास्ट अटैक क्राफ्ट्स बल की सामरिक क्षमता के निरंतर उन्नति का प्रतीक। साथ ही आप देख सकते हैं फ्लोटिंग बीओपी सीमा प्रहरी सतलुज अपने लघु स्वरूप को समेटे। नेतृत्व कर रहे हैं श्री पीसी घोष असिस्टेंट कमांडेंट और साथ में हैं इंस्पेक्टर हेतराम चौकन इंजन ड्राइवर। सीमा सुरक्षा बल देश का वह केंद्रीय पुलिस बल है जिसके पास इतने आधुनिक फास्ट अटैक क्राफ्ट्स उपलब्ध हैं। देश की जलीय सीमाओं को भी सुरक्षित रखने में सक्षम। और अब आगे बढ़ते बीएसएफ के एयर विंग की ये झांकी। राष्ट्र की सेवा व समर्पण में 53 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर श्री टी श्री गांता राव डिप्टी कमांडेंट। बीएसएफ एयरविंग 1969 में महज एक क्वीन एयरक्राफ्ट के साथ शुरू होकर आज एक एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट तथा 21 हेलीकॉप्टर्स के विशाल काय बेड़े के रूप में परिवर्तित है और 7 एयरबेसेस पर संचालित है। और अब श्री नरेंद्र सिंह चौहान डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में आगे बढ़ती केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार यानी सेनोस्टो की झांकी। ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस बीएसएफ के साथ साथ देश के समस्त केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों को हथियार उसके पुर्जे और मरम्मत तथा गोला बारूद मुहैया कराने के साथ ही प्रशिक्षण प्रदान करते हुए देश के पुलिस बलों को सामरिक क्षमता नित नई ऊंचाई बढ़ाती हुई सेनोस्टो। और अब पायनियर ऑफ एडवेंचर्स के नाम से आगे बढ़ती ये झांकी बीआरटी यानी बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग द्वारा रचित अपने आप में पावर्ड पैराग्लाइडिंग व्हाइट वाटर राफ्टिंग इत्यादि के साहसिक खेलों के प्रशिक्षण साजो सामान के साथ आप सभी के समक्ष। और ये है न्यूनतम बल अधिकतम प्रभाव के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था नित नए अनुसंधान और विकास के सफर में अग्रणी टीएस मोक यूनिट। नेतृत्व कर रहे हैं श्री संजीव कालरा डिप्टी कमांडेंट। अपने नए प्रयोग को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती अश्रुगैस इकाई नवीनतम अनुसंधान ड्रोन टीएसमोक लॉन्चर का विकास अश्रुगैस ग्रेनेड को ऊंचाई से ही लक्षित स्थान पर सटीक रूप से प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करने अत्यंत प्रभावी एक विकास। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय संकल्प का साकार प्रतिरूप है। अश्रुगैस के गोलों के रूप में और प्राणघातक हथियारों का निर्माण कर देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक अहम रोल अदा करती है टीएसयू। बीएसएफ के इतने सारे रूप इतने सारे रंग एक साथ लेकिन सब देश की खातिर सब देश के नाम। जाबाज सीमा प्रहरियों की शौर्य गाथाएं हमें हर पल गर्व का एहसास कराती हैं। इस बल की अपनी समृद्ध संस्कृति है। इसके स्वरूप को बीएसएफ का वह गीत पूरी तरह परिभाषित करता है जिसके बोल हैं हम सीमा के प्रहरी हैं हम सीना तान खड़े हम भारत के गौरव की बनके पहचान खड़े। इस गीत के अल्फाज और अंदाज अपने आप में अलग हैं विशिष्ट हैं अद्वितीय हैं जिसे बल के रजत जयंती वर्ष 1990 में देश के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन के कर कमलों द्वारा 26 अक्टूबर 1990 को नई दिल्ली में लोकार्पित किया गया था और तत्कालीन महानिदेशक थे श्री एचपी भटनागर। इस गीत को लिखा था महान गीतकार स्वर्गीय राजेश जौहरी ने।
धुन बनाई थी लुई बैंक्स ने और उसे गाया था विनय मांडके और कोरस ने। हमें गर्व है सीमा सुरक्षा बल पर, अपने प्रहरियों पर और अपने वीरों पर। कर्तव्य शौर्य, कर्तव्य प्राणता, निष्ठा। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा स्वागत संबोधन। श्री पंकज कुमार सिंह, PGBSF। आज के भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, लोकल मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर गुरजीत सिंह औजला जी, एमएलए अमृतसर डॉक्टर जसबीर सिंह, वाइस चांसलर JNDU डॉक्टर जसपाल सिंह संधु, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सम्मानित एवं विशेष